नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं विलोपन विधि से रैखिक समीकरण युग्म को हल करना। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने दो सवाल लिए हैं। पहले सवाल, ये हमारा पहला सवाल और ये हमारा दो नंबर सवाल। यहाँ पर दो दो रैखिक समीकरण हैं, इनको हमें हल करना है, वो भी विलोपन विधि से। हल करने का मतलब है यहाँ पर हमें एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। तो सवाल कहता है हमारा कि दिए गए रैखिक समीकरण युग्मों को विलोपन विधि से हल करो। यहाँ पर रैखिक समीकरणों का युग्म दिया गया है। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, यानी दो समीकरणों का एक जोड़ा है और इसको हमें हल करना है विलोपन विधि से। हल करने का मतलब है कि यहाँ पर हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो ये हमारा पहला सवाल, ये दूसरा सवाल, दोनों सवालों को इस वीडियो के अंदर हम हल करेंगे। और ये दोनों सवाल सीखने के बाद आपके विलोपन विधि में कहीं भी कोई दिक्कत रहने वाली नहीं है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखना अंत तक। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और सबसे पहले एक नंबर सवाल को एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हल लगाकर यहाँ पर एक बार पहले सवाल को एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इसके अंदर ये है हमारी 2x प्लस वाई बराबर 6, इसको मैं समीकरण नंबर एक मान लेता हूँ। और यहाँ पर ये है 4x माइनस 2y बराबर 4, इसको मैं समीकरण नंबर दो मान लेता हूँ। तो अब दोस्तों हमें इन दोनों समीकरणों को हल करना है। हल करने का मतलब है एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है, और वो भी किस विधि से? विलोपन विधि से। अब दोस्तों विलोपन नाम से ही पता चलता है, विलोपन का मतलब होता है गायब कर देना। विलोप का मतलब होता है गायब कर देना। तो हमें यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर कोई भी एक चर लेना है। यहाँ पर x और y चर है। चर का मतलब होता है कि जिसका मान लगातार बदलता रहता है सवाल के अनुसार। जैसे यहाँ पर अगर इस सवाल के अंदर अगर x का मान 3 आएगा, y का मान 2 आएगा, मान लेते हैं कि x का मान 3 आएगा, y का मान 2 आएगा, तो ये ज़रूरी नहीं है कि दूसरे सवाल के अंदर भी x का मान हमेशा 3 ही आएगा, y का मान 2 आएगा। उसके अंदर सवाल के अनुसार x y का मान चेंज होगा। तो यहाँ पर जिनका मान सवाल के अनुसार चेंज होता रहता है तो उन्हें बोलते हैं चर, यानी उसका मान लगातार बदलता रहता है तो उन्हें चर बोलते हैं। और जिनका मान कभी भी नहीं बदलता यानी फिक्स रहता है उन्हें बोलते हैं अचर। जैसे यहाँ पर 2 अचर है, क्योंकि 2 का मान सदैव 2 ही रहता है, 6 का मान सदैव 6 रहता है, तो 6 अचर है। तो इस प्रकार यहाँ पर बाकी संख्याएं अचर है और x और y सिर्फ चर है। चर का मतलब होता है जिनका मान बदलता रहता है। अब दोस्तों हमें विलोपन विधि के अंदर करना क्या होता है, विलोप का मतलब होता है गायब कर देना। तो हमें करना क्या है इन दोनों समीकरणों से कि कोई भी एक चर या तो x को या y को एक जैसा बना लेना है। एक जैसे का मतलब है कि अगर यहाँ पर हम x को एक जैसा बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर x वाले पद दोनों समीकरण के अंदर एक जैसे करने होंगे। या तो यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर 2x कर लेंगे, या यहाँ पर 4x है तो एक नंबर समीकरण के अंदर भी x के पद 4 कर लेंगे। तो हम x वाले पद या y वाले पद, कोई भी पद आप कर सकते हैं, एक जैसे करने हैं आपको। और उसके बाद हम कोई भी एक नंबर समीकरण में से दो नंबर समीकरण घटा देंगे, या दो नंबर समीकरण में से एक नंबर समीकरण घटा देंगे, तो वहाँ से जो एक जैसे पद थे वो तो घट जाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि मैंने x वाले पद एक जैसे किए, तो यहाँ पर 4x है, यहाँ पर भी मैंने 4x कर दिए। तो जब मैं दो नंबर समीकरण में से एक नंबर समीकरण घटाऊँगा तो 4x में से 4x घट जाएगा, 0 बचेगा, तो x वाला पद गायब हो जाएगा, सिर्फ y के पद बचेंगे। और वहाँ से y का मान आसानी से आ जाएगा, और वो मान मैं कोई भी समीकरण में रख दूंगा, वहाँ से आसानी से x का मान आ जाएगा। बस यही होती है हमारी विलोपन विधि। तो चलिए आप इसको करके देखते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर कर देना, नीचे जो लाइक का बटन है उसको ज़रूर से दबा देना। और इसी तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब इसको करके देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं मान लेता हूँ कि मैं x वाले पद एक जैसे करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, समीकरण एक को 2 से गुणा कर दूंगा। तो लिखेंगे कि समीकरण एक को 2 से गुणा करने पर, तो मैं समीकरण नंबर एक को 2 से गुणा कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 2 × 4x प्लस में 2y बराबर में 6 का 2 के साथ गुणा 12। और यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि जब हम गुणा करते हैं किसी भी संख्या का तो वो बराबर से इस साइड भी होता है, बराबर से इस साइड भी होता है, दोनों तरफ होता है। अब इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण नंबर 3, और समीकरण नंबर 2 को इसके नीचे लिख देता हूँ। समीकरण नंबर 2 है हमारी 4x माइनस 2y बराबर 4, ये हमारे दो नंबर समीकरण। अब मेरा मकसद है यहाँ पर कोई भी एक पद को गायब करना। यहाँ पर मेरा मकसद है x वाले पद को गायब करना। यहाँ पर x के पद एक जैसे है तो मैं इनको घटा दूंगा। वैसे तो यहाँ पर y वाले पद भी एक जैसे हैं, यहाँ पर भी 2y है, यहाँ पर भी 2y है,
तो यहाँ पर वाई वाला पद भी हम गायब कर सकते हैं, एक्स वाले पद भी गायब कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक्स वाले पद गायब करूँगा, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, समीकरण तीन में से समीकरण दो माइनस कर दूंगा यानी घटा दूंगा। तो समीकरण तीन में से समीकरण दो माइनस कर देंगे तो यहाँ पर ये क्या बचेगा, चार एक्स में से चार एक्स जाएगा, जीरो बच जाएगा। अब दो वाई में से हमें घटाना है माइनस का दो वाई, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, दो वाई में से मुझे घटाना है ये माइनस का दो वाई, दो वाई में से मुझे माइनस करना है माइनस का दो वाई। माइनस का दो वाई तो पहले से ही है, और यहाँ पर ये माइनस है हमारा जो हम घटा रहे हैं वो, दो वाई में से मुझे घटाना है माइनस का दो वाई। तो यहाँ पर दो वाई का दो वाई माइनस का माइनस के साथ गुणा होकर ये हो जाएगा प्लस दो वाई, तो दो वाई प्लस दो वाई ये हो गया चार वाई। तो जब हम दो वाई में से घटाएंगे माइनस का दो वाई तो ये बन जाएगा प्लस का चार वाई, ये आपको ध्यान देना है। बराबर में 12 में से घटा देंगे 4, बचेगा 8। तो यहाँ से क्या बचा, 4y बराबर बच गया यहाँ पर 8। अब यहाँ पर 4y का मतलब है 4 गुणा वाई, तो यहाँ पर जो 4 है वो y के गुणा में है, और गुणा वाली संख्या जब हम बराबर से दूसरी साइड भेजते हैं तो वो भाग में चली जाती है, हमें तो यहाँ पर सिर्फ y का मान चाहिए। तो y तो यहाँ पर रख लेंगे, और ये गुणा में 4 है, इसको बराबर से दूसरी साइड भेज देंगे तो ये 8 के भाग में आ जाएगा। 8 के अंदर 4 का भाग देंगे दो बार जाएगा, तो यहाँ से हमारा y का मान आ गया दोस्तों 2। अब ये y का मान है ये हम कोई भी समीकरण में रख देंगे, या तो समीकरण एक में रख देंगे या समीकरण दो में रख देंगे। तो मैं इसको समीकरण एक में रख देता हूँ, तो लिखेंगे कि y बराबर दो, y बराबर दो समीकरण एक में रखने पर, एक में रखने पर। तो समीकरण एक है हमारी ये, यहाँ पर जहाँ पर भी y दिखाई दे रहा है वहाँ पर मैं दो रख दूंगा, तो 2x प्लस y की जगह दो रख दूंगा बराबर 6। तो ये बन जाएगा हमारा 2x प्लस y की जगह दो बराबर 6। तो यहाँ से 2x ये प्लस का दो है, बराबर से दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का दो हो जाएगा, तो 6 माइनस दो यानी 4। तो यहाँ से 2x बराबर आ गया 4, हमें तो x का मान चाहिए, तो गुणा में दो है, इसको बराबर से दूसरी साइड भेजेंगे तो 4 के भाग में आ जाएगा, 4 के अंदर दो का भाग देंगे तो आ जाएगा 2। तो इस प्रकार x का मान आ गया 2, y का मान आ गया 2। और यहाँ पर हमें करना क्या था, समीकरणों को हल करना था, हल करने का मतलब होता है x और y का मान ज्ञात करना। तो लिख देंगे अतः अतः दिए गए रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म का हल है, का हल है, हल क्या है, x बराबर दो y बराबर दो। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो इस प्रकार दोस्तों ये है हमारी विलोपन विधि। ये था पहला सवाल, अब एक बार दो नंबर सवाल को भी हल करके देखते हैं। और ये हल करने के बाद आपके विलोपन विधि में कहीं पर भी कोई दिक्कत रहने वाली नहीं है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और ये वीडियो कैसा लग रहा है ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और साथ ही आपको अगला किस वीडियो पर, किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो चलिए अब करते हैं दो नंबर सवाल को हल। तो चलिए दोस्तों अब करते हैं दो नंबर सवाल को हल। तो दो नंबर सवाल के अंदर इसको मान लिया मैंने समीकरण नंबर एक, इसको नाम दे दिया मैंने समीकरण नंबर दो। अब इनको हमें हल करना है विलोपन विधि से। विलोप का मतलब होता है गायब कर देना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले कोई भी एक चर को एक जैसा बना लेना है, या तो x वाले चर एक जैसे बना लेने हैं या y वाले चर एक जैसे बना लेने हैं। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि दोनों समीकरणों के अंदर पहले से ही y वाले पद एक जैसे हैं, यहाँ पर भी y का पद एक है, यहाँ पर भी y का पद एक है, तो पहले से ही एक जितने हैं। अगर एक जितने नहीं हैं तो आप इनको बना सकते हैं गुणा करके या भाग करके किसी तरह। तो यहाँ पर पहले से एक जितने हैं, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, y वाले पद को हटा दूंगा, या फिर आप x वाले पद हटाना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि समीकरण एक के अंदर x वाले पद दो है, तो आप समीकरण दो को दो से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर ये भी x वाले पद दो हो जाएंगे, और यहाँ पर आप x वाले पद भी हटा सकते हैं। तो यहाँ पर y वाले पद पहले से एक जितने हैं, तो मैं यहाँ पर y वाले पद हटाना चाहता हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, समीकरण एक के अंदर समीकरण दो को जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस का वाई है, ये प्लस का वाई है। तो जब हम माइनस वाई के अंदर प्लस वाई जोड़ेंगे
तो वाई माइनस वाई से प्लस वाई कट जाएगा और ये जीरो बच जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर समीकरण एक के अंदर समीकरण दो जोड़ देंगे। तो हम क्या लिखेंगे कि समीकरण एक में समीकरण दो को जोड़ने पर तो समीकरण एक के अंदर समीकरण दो को जोड़ेंगे तो क्या होगा, दो एक्स और प्लस में एक्स तो ये हो जाएगा 3x। अब माइनस वाई प्लस वाई तो ये हो जाएगा प्लस के अंदर 0 बराबर 4 में जोड़ेंगे माइनस का एक तो 4 माइनस 1 ये हो जाएगा 3। माइनस वाई प्लस वाई 0 कैसे हुआ, तो माइनस वाई प्लस वाई तो यहाँ पर माइनस वाई से प्लस वाई कट गया तो ये बच गया 0। इस प्रकार तो ये बच गया हमारा 3x बराबर 0, 3x बराबर 3। तो हमें तो x का मान चाहिए, तो ये 3x के गुणा में है, तो कोई भी गुणा वाली संख्या जब बराबर से दूसरी साइड जाती है तो वो भाग में चली जाती है, तो ये जो 3 है ये बराबर की साइड जो 3 है इसके भाग में आ जाएगा। अब 3 में 3 का भाग देंगे तो आ गया 1, तो यहाँ से x का मान आ गया हमारे पास है 1। अब x के इस मान को हम कोई भी समीकरण में रख देंगे, या तो समीकरण 1 में रख देंगे या समीकरण 2 में रख देंगे, तो समीकरण 2 में रख देते हैं। तो लिखेंगे x बराबर 1 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 है हमारी x+y = -1, x+y = -1 है तो यहाँ पर x की जगह 1 रख देंगे, तो 1+y = -1। अब यहाँ पर ये जो 1 है ये प्लस का है वो बराबर से इस साइड है, तो जब इस 1 को बराबर से दूसरी साइड भेजेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। और बराबर से दूसरी साइड क्यों भेजेंगे, क्योंकि हमें तो y का मान चाहिए, तो y वाला पद यहाँ पर रखना है, बाकी सब इस तरह भेज देना है। तो इस 1 को बराबर से दूसरी साइड भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस का है, बराबर से दूसरी साइड जाएगा तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर तो बच गया y बराबर माइनस का 1 बराबर में ऐसा का ऐसा लिख देंगे। अब ये 1 है बराबर से दूसरी साइड जाएगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर y बराबर हो गया माइनस का 1 तो टोटल हो गया माइनस का 2, तो y का मान आ गया माइनस का 2। इस प्रकार x का मान आ गया 1, y का मान आ गया -2। अब आपको अंत में लिख देना है कि अतः दी गई रैखिक समीकरण का हल है x = 1 y = -2। तो इस प्रकार दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसके अंदर हमने सीखा विलोपन विधि से रैखिक समीकरण युग्मन को हल करना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।